देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जो निर्णय लिया उसका स्वागत करते हैं, मगर ये चीज़ साफ दिखाती है कि बीजेपी अपनी हार से बचने के इस तरह के हथकंडे अपना रही है। और तारीख बदलने से क्या होगा, जनता ने मन बना लिया है और इस बार जो मन है वो बीजेपी को प्रदेश से बाहर करने का है। और चार दिन हमें तो फायदा है, कैंपेन के और मिलेंगे और एग्रेसिवली कार्यकर्ता मैदान में उतरेंगे और इस रण को जीतेंगे। हरियाणा के अंदर चुनाव है, किस तरीके से देखते हैं, किस किस पार्टी के साथ मान लेंगे बीजेपी मुकाबला करेगी? देखिए, आज के दिन त्रिशंकु विधानसभा के आसार हैं और मेरा ये मानना है कि नॉमिनेशंस 12 तक है, 12 तक बहुत कुछ तय हो जाएगा और प्रदेश की आवाम किस और करवट लेगी और कौन जीतेगा ये तो वोटर्स बताएंगे, मगर जनता ने एक मन बना लिया कि हरियाणा प्रदेश को बीजेपी मुक्त करना है। सर, जैसे कि बड़ी पार्टियां हैं, अभी तक उनकी लिस्ट जारी नहीं हो पा रही है, क्या? अभी तो नॉमिनेशन 5 से है, इतनी जल्दी क्या है। मैं तो ये मानता हूँ कि उम्मीदवार अच्छे आएंगे, हमारा गठबंधन युवाओं को, महिलाओं को पूरी ताकत दे के सशक्त बनाकर मैदान में उतारे। अच्छे मार्जिन से उचाना जीतेंगे, पहले जितना मार्जिन भी आ सकता है। और मैंने तो पिछले 10 साल में 4 चुनाव लड़े और हमेशा उचाना ने वो ताकत मेरे को दी है जिसने राजनीतिक तौर पर मजबूती से आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया।